इतने दिनों तक इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश के बाद आज मैंने फैसला किया है कि मैं इस सिंहासन पर बैठने लायक नहीं हूँ। इसलिए अब मैंने इस सिंहासन पर बैठने का जिद छोड़ दिया है। अगर ये बात आपको पहले ही पता चल जाती तो आपके इतने दिन बर्बाद नहीं होते महाराज। हाँ, लेकिन इसमें भी जरूर कोई राज है। तो अब इस सिंहासन का क्या किया जाए महाराज? इसे वहीं दबा दिया जाए जहां से इसे निकाला गया था, लेकिन उससे पहले मैं ये खबर 32वीं पुतली को दे दूं। चलो। आइए आइए राजा भोज, मैं इस सिंहासन की 32वीं पुतली रूपमती हूँ और इन सभी पुतलियों की रानी भी। हे ईश्वर। राजन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आज पहली बार आपको इस सिंहासन पर बैठने की जल्दी नहीं। जल्दी क्या और देरी क्या, मुझे तो अब इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब से मैं सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहा हूँ तब से कोई न कोई पुतली आकर महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुना रही है। किसी कहानी में महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, तो किसी में उनसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं। किसी कहानी में वे बहुत बड़े परोपकारी हैं, किसी कहानी में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और मुझ में तो महाराज विक्रमादित्य जैसा एक भी कोई नहीं। इसका मतलब आप अभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे? हाँ, और आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ कि इस सिंहासन को मैंने वहीं दबा देने का फैसला किया है जहाँ से मुझे ये मिला था। आप लोग मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हैं? राजन, आपके इस फैसले से आज हम सब अपने श्राप से आजाद हो गई हैं। कैसा श्राप देवी? हम 32 पुतलियाँ स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं। एक दिन हम सभी देवी पार्वती की सेवा कर रही थी कि तभी वहाँ भगवान शिव आ गए। उनमें इतना तेज था कि हम सब का ध्यान उनकी तरफ चला गया। वे भी हमारी तरफ देख रहे थे। आहा। और जब देवी पार्वती ने हम सभी को इस तरह भगवान शिव की तरफ देखते पाया तो उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने हम सभी को श्राप दे दिया। अगर तुम सभी को अपनी तारीफ करवाने का इतना ही शौक है तो मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। जाओ जाओ और इंद्र के सिंहासन की 32 पुतलियां बन जाओ और उनके सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। देवी, हमें माफ कर दीजिए, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। देवी, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, माफ कर दीजिए। क्षमा देवी, क्षमा, हमें अपने श्राप से आजाद कर दीजिए। इसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा।
देवराज इंद्र अपना सिंहासन राजा बाहुबल को भेंट करेंगे और राजा बाहुबल वो सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट करेंगे। उसके कई सौ वर्षों बाद राजा भोज को ये सिंहासन मिलेगा और वे उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करेंगे और तभी एक एक करके तुम सभी राजा भोज को विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाओगे। अगर राजा भोज ने तुम सभी की कहानी सुन ली तो तुम सब मेरे श्राप से आजाद हो जाओगे। राजन, हमें इस श्राप से आजाद कराने के लिए हम सभी आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। राजन, अब हम चलते हैं। हे देवियों, आप सभी ने मुझे इस सिंहासन पर तो बैठने नहीं दिया, जाते जाते कम से कम कुछ तो देती जाइए। ठीक है राजन, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक महाराज विक्रमादित्य का नाम इस दुनिया में रहेगा तब तक उनके साथ साथ आपका भी नाम लिया जाएगा। धन्यवाद देवियों, चलिए सिंहासन ना सही नाम तो मिला, अब आपके जाने के बाद इस सिंहासन का क्या होगा? हमारे जाने के बाद इस सिंहासन की शक्ति खत्म हो जाएगी और ये एकदम से पुराना हो जाएगा। ऐसा क्यों? राजन, ये तो प्रकृति का नियम है, पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है और उसके बाद बुढ़ापा भी आता है और फिर अंत में आती है मौत, मृत्यु। सिर्फ ये सिंहासन ही नहीं, जो भी इस धरती पर आया है उसे तो इन सब से गुजरना ही पड़ेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए राजन और हम जाते जाते आपके राज्य की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। जाइए देवियों, ईश्वर आप लोगों का भी भला करे। मंत्री जी, हमारे राज्य के सारे विद्वानों और संतों को बुलाया जाए और उन सभी के सामने इस सिंहासन को उसी जगह दबा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। ताकि वे इस सिंहासन को इसमें गाड़ सकें। लेकिन ये तो वही सिंहासन है ना, जो ये लोग यहाँ से निकाल कर ले गए थे। हाँ, तो फिर वे इसे फिर से क्यों गाड़ रहे हैं? ये एक लंबी कहानी है जिसके बारे में मुझे आज ही पता चला। माँ, मुझे भी सुनाओ ना वो कहानी। ठीक है, बहुत बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन के एक राजा थे, महाराज विक्रमादित्य। अबे यार, ये कलुआ अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं सैनिक लोग पकड़ के उसे तहखाने में बंद तो नहीं कर दिए? चुप! मुझे क्यों डांटते लगता हमेशा? जब भी मुंह खोलेगा डराएगा। कलुआ आ गया। कलुआ, कुछ पता चला? हाँ, वो सिंहासन सोने का बना है। सोने का? और अभी भी उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अच्छा, हल्का हीरा जवाहरात में? अरे सुनो सुनो, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राजा भोज सिंहासन को अपने खजाने में रखते तो अच्छा होता। जरा सोचो। ए मैं थोतू? तू सोचेगा? तू सोचेगा हैं? अच्छा चल सोच। नहीं, मैं नहीं थोतता, तुम ही थोतू। बड़ा आया सोचने वाला। तो मैं ये कह रहा था,
जरा सोचो, अगर राजा भोज उस सिंहासन को अपने खजाने में रखते तो हम उसे चुराने की सोचते कैसे? बोलू तू इतना क्यों खुश हो रहा है? ये तो मैं धोती नहीं थकता था। लेकिन गुरु हम उसे चुराएंगे कैसे? सुरंग के रास्ते। क्या सुरंग? लेकिन सुरंग बनाने में तो हमें महीनों लग जाएंगे। ठीक बोलता है गुरु। ये यार ये भी तो सोचो, उसके बाद हमें पूरी जिंदगी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाले दिल क्या बात कही है तुमने। ठीक कहा ना। तो बेटा लद्दा धंधे पे अभी? हाँ बेटा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा, लड्डू लाल करेगा कब। गुरु सिंहासन बत्तीसी, सही में थपना तो नहीं देख रहा हूँ, कोई मुझे तूती देता तो। तूती काटने के लिए कहा था, तूता नहीं। चलो चलो उठो से। गुलू इतनी मेहनत चला ले हो, बला बला इला मैं इलूंगा। इतने बड़े सिंहासन को बेचेंगे तो पकड़े जाएंगे गुरु। इसे तो तोड़कर टुकड़े करने पड़ेंगे। हाँ, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा किन टुकड़ों में हम सिंहासन बत्तीसी बेच रहे हैं। वाह क्या बात है, आतला दिमाग तो बहुत तल्ला है। यहाँ आने से पहले दो लोटा भर के भैंस का दूध पिया था, इसलिए आज दिमाग दौड़ रहा है। मैं भी अपने माथे कहूँगा कि वो मुझे भी रोज दो लोटा भैंस का दूध भर के पिलाए, मेला भी दिमाग दौड़ेगा। दौड़ा लिया दिमाग, दौड़ा लिया दिमाग। अब जल्दी जल्दी इसके टुकड़े करो, कोई आ गया ना तो इस सिंहासन को छोड़कर हमें दौड़ना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या था? ऐसा झटका तो जिंदगी में दो ही बार लगता है, जब बिजली गिरती है तब, या जब कोतवाल के डंडे पड़ते हैं तब। लेकिन यहाँ ना तो बिजली गिरी और ना कोतवाल के डंडे पड़े। लगता है इस सिंहासन में विक्रमादित्य का भूत लाता है, तभी तो राजा भोज ने इसे जमीन में दलवा दिया। हाँ चुप कर, भूत भूत कुछ नहीं होता। अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एक काम करते हैं, इस सिंहासन को जैसा है वैसे ही ले जाकर दूसरे राज्य में बेच देते हैं, वहां हमें कोई पहचानेगा भी नहीं। क्यों नहीं पहचानेगा, त्या हम वहां तादल ओढ़ कर दाएंगे। अरे कोई समझाओ इसे, कोई तो समझाओ इसे, कैसे बेवकूफी के सवाल कर रहा है,
इस गधे को तो शेरनी का दूध पीना चाहिए, तभी इसका दिमाग चलेगा। गुलू, थेलनी के पास जाएंगे तो थेलनिया में माल के खाने ही जाएगी। क्यों, मैं कुछ गलत बोल दिया? अबे लड्डू लाल, हम लोग वहाँ चादर ओढ़कर नहीं, भेष बदल कर जाएंगे, जौहरियों का भेष बदल कर। अच्छा अच्छा, मैं थमत गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ से श्रीवस्ती चलते हैं, वो यहाँ से बहुत दूर है, हो सकता है इस सिंहासन की खबर वहाँ के राजा तक नहीं पहुँची हो। और अगर पहुँच गई होगी तो क्या करोगे? ले 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 ले। तो मेरे प्यारे लड्डू लाल, इसे वापस लाकर यहीं गाड़ देंगे। धत्ते रीति, तो बेकाल में इतने महीने तो कितनी मेहनत तलवाई। चुप चुप, अगर दोबारा मुंह खोला ना तो सिंहासन की जगह तुझे गाड़ दूंगा इस सुरंग में। मैं और मेरे दरबारी उस सिंहासन को देखना चाहते हैं जिसे आप सभी मेरे लिए लाए हो। वाह 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 वाह, ऐसा सिंहासन तो आज तक नहीं देखा। ये तो कोई चमत्कारी सिंहासन लगता है। यहाँ तो जैसे रोशनी ही रोशनी फैल गई है। इसकी रोशनी से तो सारा दरबार जगमगा रहा है। ओह ओह, सचमुच ये सिंहासन बड़ा ही अद्भुत है। हमने बड़ी मेहनत से रत्नों से जड़ा हुआ ये सिंहासन खास आपके लिए बनाया है महाराज। बनाया नहीं, तुलाया है। बोल, बड़ी मेहनत से तुलाया है। अपनी जबान को अंदर रख, नहीं तो काट दूंगा महाराज। आप सब इस सिंहासन की जांच कीजिए, जाइए। महाराज महाराज, आपको तो भाग्य खुल गए महाराज, ये सारे रत्न असली हैं। हाँ महाराज। तो महाराज, क्या ये सिंहासन आपको पसंद है? नहीं, बहुत पसंद है। बताओ क्या कीमत है आपके इस सिंहासन की? महाराज, हमें तो 150 धोने की मुद्लाएं बहुत। 150 भिखारी कहीं का। महाराज, इसके कहने का मतलब है 50,000 सोने की मुद्राएं। ठीक है मंत्री जी, इन जौहरियों को 50,000 सोने की मुद्राएं दे दी जाए। 50,000 होने की मुद्राएं। धन्यवाद महाराज। हम अमीर हो गए। हम अमीर हो गए।
हाँ। कितना ज्यादा है ना, तुझे तो सिर्फ 150 सिक्के चाहिए थे ना। चल ठीक है, ये ले 100 सिक्के और यहाँ से चलता बन, चल शाबाश। इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे माँ बाप ने मुझे धोते ऊपर गिनती थी दाया ही नहीं, अब कितना आता है उतना ही बताऊंगा ना दुलू। ठीक है अब रो मत, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। चलो गुरु अब बांटना शुरू करो और सबसे पहले इसका हिस्सा निकालो। हाँ हाँ गुरु, अब बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी सोने की मुद्राएं दो ना। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज आपके सिंहासन पर बैठने का समय हो गया, आइए। महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज मुझे समाचार मिला है कि श्रीवस्ती के राजा को कुछ जौहरियों ने सिंहासन बत्तीसी जैसा ही एक सिंहासन बेचा है। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, जिन्होंने उस सिंहासन को देखा है उनको शक है कि कहीं वो सिंहासन बत्तीसी ही तो नहीं। ये कैसे हो सकता है, उस सिंहासन को तो मेरे सामने दबाया गया था। मंत्री जी, उस जगह की फिर से खुदाई की जाए जहाँ सिंहासन बत्तीसी को दबाया गया था। मरीका महाराज, यहाँ तो एक बहुत बड़ा लंबा सुरंग है। इसका मतलब सिंहासन बेचने वाला कोई जौहरी नहीं, चोर था। मंत्री जी, हमारे श्रीवस्ती जाने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, राजा भोज अपने विद्वानों और ब्राह्मणों के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। आइए राजन, आपका मेरे राज्य में स्वागत है। अरे ये तो सिंहासन बत्तीसी ही है। सिंहासन बत्तीसी? हाँ हाँ राजन, सिंहासन बत्तीसी। और आपने ये सिंहासन जिन लोगों से खरीदा था वो कोई जौहरी वोहरी नहीं, काले चोर थे, काले चोर। चोर? हाँ राजन, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं, महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन था। स्वयं महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन? हाँ? हे राजगुरु, अब तो आप और यहाँ उपस्थित सारे ज्योतिषी ही मुझे बता सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। महाराज, अगर यह सिंहासन सचमुच महाराज विक्रमादित्य का था तो हमारी गणना के अनुसार सोने से बना यह सिंहासन अब पीतल का हो चुका है और इस पर जड़े हीरे मोती पत्थर बन चुके हैं। नहीं, 50,000 सोने की मुद्राएं देकर मैंने इसे खरीदा है, ये पीतल नहीं बन सकता, जौहरी, इसकी जांच की जाए। महाराज, राजगुरु ठीक कह रहे हैं महाराज, आपके तो भाग्य फूट गए महाराज। लेकिन ये सब हुआ कैसे, अचानक से सोना पीतल कैसे हो गया, और ये रत्न, कल तक तो रत्न थे,
आज पत्थर कैसे बन गए? महाराज, ये सिंहासन बेचने के लिए नहीं था, फिर भी इसे बेचा गया, इसलिए अब इसका कोई मूल्य नहीं रहा। नहीं, मेरे 50,000 सोने के सिक्के डूब गए, सारे के सारे डूब गए। मैं उन चोरों को छोड़ूंगा नहीं, फांसी पर उल्टा लटका दूंगा। छोड़ूंगा नहीं। राजगुरु, आप सभी लोग सलाह मशविरा करके बताएं कि इस सिंहासन का अब क्या किया जाए। आप तो इस सिंहासन पर बैठ गए थे, मैं तो बैठ भी नहीं पाया था। राजगुरु, राजन, अब तो जल समाधि ही सबसे अच्छा उपाय है। इस सिंहासन को कावेरी नदी में डाल दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी सिंहासन बत्तीसी की कहानी खत्म नहीं हुई। कई राजा महाराजाओं ने उस सिंहासन को पाने की कोशिश की। उन्होंने अपने काबिल गोताखोरों को नदी में सिंहासन का पता लगाने के लिए भेजा। गोताखोरों ने पानी के अंदर कोना कोना छान मारा, लेकिन किसी को भी सिंहासन नहीं मिला। हार कर सभी ने सिंहासन पाने की अपनी जिद छोड़ दी। समय बीतता गया, ना राजा भोज रहे और ना ही वो राजा महाराजा रहे। सिंहासन बत्तीसी भी परियों की कहानियों की तरह बस एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन हो सकता है आज भी वो सिंहासन कावेरी नदी के अंदर कहीं दबा पड़ा हो, इस इंतजार में कि कभी तो महाराज विक्रमादित्य के जैसा कोई शूरवीर, पराक्रमी और दयावान राजा आएगा, जो सिंहासन को ढूंढकर उस पर बैठेगा और राज करेगा, ताकि एक बार फिर उस सिंहासन का खोया हुआ गौरव सामने आ जाए, जिसे सारी दुनिया एक ही नाम से जानती है, सिंहासन बत्तीसी।